सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, संस्कृत के मॉक टेस्ट के जरिए आपका रिवीजन लिया जा रहा है दोस्तों, कि आप बहुविकल्पी में कितने अच्छे क्वेश्चंस आप गेन कर सकते हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और कितने अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत में बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो संस्कृत के काफ़ी सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप संस्कृत की किसी भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि द्रविका का हिंदी शब्द क्या है, द्रविका का हिंदी शब्द क्या है। मैंने पर्टिकुलर आपको बताया भी है, जितनी भी फल हैं, सब्जी हैं और पुरुष हैं यानी शरीर के अंग हैं, ठीक है, इन सब के संस्कृत नाम आपको बताए हैं या फिर हिंदी शब्द बताए हैं, तो वहाँ पर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के संस्कृत प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो द्रविका का हिंदी शब्द रूप है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट एकदम सही आंसर दे रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, गोभी हो जाएगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा, यानी माधुर्यम लिंग है, माधुर्यम लिंग क्या है, पुरलिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या प्रोक्त में से कोई नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बा आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहा है, यानी नपुंसक लिंग यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कि मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मधुना है, मधुनी है, मधुशु है या मधुने हैं। बिल्कुल सही आंसर है, यानी जो स्टूडेंट मधुशी की तरफ जा रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि चोर्यत में धातु है, चोर्यत में धातु है, चुर धातु है, चोर है, चोर्य है या फिर चोरत है, या फिर कौन सी धातु है, चोरत धातु है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चूर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लड़ाई संज्ञा है, लड़ाई संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो लड़ाई संज्ञा क्या है, ठीक है, लड़ाई संज्ञा कौन सी है इसमें, तो लड़ाई संज्ञा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी भाव के द्वारा लड़ाई करते हैं ना, तो लड़ाई भाव से प्रकट होती है हमारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बैल का संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, बैल का संस्कृत शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी बैल के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, यानी मूसका, उष्टा, महिषी और श्रृंगाल, यहाँ पर दोस्तों एक भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं सही है, यानी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग कमेंट्स करते हैं वहाँ पे आपको बताना है कि आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जितने भी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं, यानी जो इस वीडियो को लाइव टेस्ट के बाद जो लोग देखेंगे वो इस कमेंट बॉक्स इस आंसर को कमेंट में देंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नम धातु विधलिंग परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन, नमे है, नमेम है, नमे है या नमेतम है। बिल्कुल सही आंसर है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, नमे हो जाएगा। अगला यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, अपठतम है, पठानी है, पठामी है या पठिष्यामी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, यानी पठामी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पठामी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वादतम शब्द का हिंदी अर्थ है, वादतम शब्द का हिंदी अर्थ है, छुआरा हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, मखाना हो जाएगा या काजू हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, यानी बादाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बा नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वादतम का जो हिंदी अर्थ होगा वो बादाम हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि छात्रा में वचन है, छात्रा में वचन है, एक वचन है, द्विवचन वचन है, बहुवचन है या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, छात्रा क्या है, एक वचन है, ठीक है, सभी आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट, एक वचन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि बालका उदाहरण है, बहुवचन का है, एक वचन का है, द्विवचन का है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर, जैसा ही क्वेश्चन आता है आप लोग पहले ही आंसर दे देते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी हो जाएगा, आ नंबर सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बहुवचन का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी पंचन शब्द का हिंदी शब्द है, पंचन शब्द का हिंदी शब्द है, 15 है, 5 है, 25 है या 8 है, पंचन शब्द का बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही आंसर है, यानी कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचन का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विभक्ति के वेद हैं,
विभक्त की यहाँ पर कितने भेद हैं? सात भेद हैं, पांच भेद हैं, छह भेद हैं या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं है? बिल्कुल सही आंसर है, कितने भेद हैं? सात भेद हैं विभक्त के, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हरि चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, हरे है, हरिये है, हर्रो है या हर्यो है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि रमा सप्तमी बहुवचन है, रमाए है, रमाशु है, रमे है या रमाह है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, रमास हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि नदी द्वितीय बहुवचन है, नदी द्वितीय बहुवचन है, नदी है, नद्या है, नद्या है या फिर नदी है? तो नदी द्वितीय जो बहुवचन होता है वो क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर द आंसर दे रहे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए घ्रा शब्द का अर्थ है, घ्रा शब्द का अर्थ है सूंघना, देखना, चुराना या हंसना? सूंघना, देखना, चुराना या फिर हंसना? बिल्कुल सही आंसर है घ्रा शब्द, ठीक है। घ्रा शब्द का जो अर्थ होता है वो किससे होता है? सूंघने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिए कि 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादशन कहते हैं, द्वाविंशति कहते हैं, दिव कहते हैं या द्वात्रिंशत कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है, यानी कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि काव्यों महाकाव्यों में सारगम्भित वाक्यों को कहते हैं, यानी काव्य और महाकाव्य में जो सारगम्भित वाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं, छंद कहते हैं, गर्भवाक्य कहते हैं या श्लोक कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, क्या कहते हैं उनको? सूक्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हम दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा वयम हससि वयम धावामः अहम धावाति या अहम धावत? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर जो भी दे रहे हैं एकदम करेक्ट दे रहे हैं, यानी वयम धावामः हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहां पर क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं? आवाम पठावः, वयम पठाओ, अहम पठावः या वयम पठामि? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आ ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है? आवाम पठावा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं एकदम गलत आंसर दिए गए हैं, उनके गलत हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटरनेट का सूक्ष्म रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेट का सूक्ष्म रूप होता है, बहुत सबको पता है नेट होता है, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? छत्र सहित है, छत्रियों की संपत्ति है, छत्रियों की विपत्ति है या फिर छत्रियों का गुस्सा है? तो सछत्रम, जैसा कि सबसे ही पता चला सछत्रम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो छत्र सहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छत्र सहित। अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दृशद शब्द का क्या अर्थ है, या फिर दृशद शब्द का अर्थ है, दृशद शब्द का अर्थ क्या होता है? देखना होता है, पत्थर होता है या फिर हृदय होता है या चंद्रमा होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, और इसका आंसर मैं खुद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जी जी बिल्कुल सही है, दो तीन लोग का आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पर देखिए जो दृश्यत होता है, ठीक है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना वहाँ पर भी, क्योंकि जो नए व्यूअर होंगे या फिर जो इस वीडियो को लाइव के बाद देखेंगे तो वो भी आंसर दे सकें, इस वजह से इसमें मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि वारणी शब्द में लिंग वचन व विभक्त है, वारणी शब्द में लिंग वचन व विभक्त हैं, स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति या पुरलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति या स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति या नपुंसक लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति? ये भी जो क्वेश्चन है ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो वारिणी में क्या हो जाएगा? आप लोगों ने शब्द में लिंग वचन विभक्ति पहचानना तो आपको आपने वीडियो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, यानी वारिणी शब्द में लिंग वचन विभक्ति कौन सी हो जाएगी? स्त्रीलिंग बहुवचन और प्रथमा विभक्ति, बिल्कुल सही आंसर है, जो भी ऑप्शन नंबर ब आंसर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है कि एते शब्द में विभक्ति व वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन
प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति एकवचन है। यह भी जो क्वेश्चन है 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूँ, जैसा कि आप लोग गिनती याद कर लेना, यानी एक से लेकर के 30 तक आप लोग याद करना कि संस्कृत में क्या कहते हैं, वहाँ से आपका एक नंबर तो हर साल आता ही आता है। ठीक है, आप चाहे जो प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पर ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, गिनती ज़रूर पूछी जाती है कि 21 को क्या कहते हैं, 22 को क्या कहते हैं, 23 को क्या कहते हैं, या 19 को क्या कहते हैं, या 12 को क्या कहते हैं, या 5 को क्या कहते हैं। ठीक है, पूछा ही जाता है। और साथ में आप ये भी याद कर लीजिएगा कि कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं, और विभक्ति कारक और उनके चिन्ह जो जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं परसर कह रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उनको याद करने के लिए जैसे आपको याद ही होगा शायद, उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या होता है कि कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति और युक्त रूपों को कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। और संस्कृत में कारक को विभक्ति ही कहते हैं, यानी विभक्ति भी कहा जाता है। और जो विभक्तियाँ होती हैं वो हमारी होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी, और लास्ट में हमारा बचता है संबोधन। उसके बाद अगर हम कारक की बात कर लेते हैं, कारक होते हैं कर्ता होते हैं, कर्म होते हैं करण होते हैं, संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, ये आपके हो जाते हैं कारक। ये आपको रटना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, आपको रट जाना चाहिए कि हाँ एक भी लाइन छूटे भी ना। और जो चिन्ह होते हैं, ने को से के द्वारा और के लिए और से काकी के और रारी रे और मैं पर मैं और हे अरे भो। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए चिन्ह भी। जैसा कि आपको पता है कि इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कैसे आपको याद करना है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। ठीक है, ये आपको कैसे याद करना है, तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण से ले, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर, संप्रदान काकी के रारी रे और अधिकरण मैं पर और संबोधन हे अरे भो। ठीक है, आप अगर इस तरह से याद करते हैं, कविता बना के याद करते हैं, तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक है, यानी याद करने की ट्रिक भी बताई है एक वीडियो में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से लिए, और इससे हमारा सुटेबल भी बैठता जाता है और अच्छे से हमें याद भी होता जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाच शब्द संस्कृत में पुरलिंग है या फिर स्त्रीलिंग। वाच शब्द जो है वो संस्कृत में पुरलिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वाच शब्द क्या है, आपको पता होगा, तो वाच शब्द एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद भी मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, ये भी मैंने आप सभी को बताया था संज्ञा क्या होती हैं। तो संज्ञा तो आपको पता ही, यानी जिससे किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिससे प्राणियों के नाम ये संज्ञा हो गए, वस्तुओं के नाम ये संज्ञा, स्थानों के नाम ये संज्ञा, इनके दो चार ऑप्शन भी मैं आपको आंसर एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ। यानी प्राणियों के नाम जैसे एरावत हो गया, गांधी हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, और गाय हो गया, बकरी, किसी भी प्राणी का नाम हो गया। वस्तुओं के नाम जैसे मेज, कलम, किताब, अलमारी और कमीज, पंखा, कालीन, ये सब क्या हो जाएगा, वस्तुओं के नाम हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्थानों के नाम, तो दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, बनारस, ये सब क्या हो गया, स्थानों के नाम हो गए। और भावों के नाम क्या हो गए, यानी भाव प्रकट करते हैं, यानी बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, क्रोध, ये सब क्या हो गए, भाव प्रकट करते हैं। और जो संज्ञा के भेद होते हैं, वो संज्ञा के भेद भी मैंने आप सभी को बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक यानी जो शब्द किसी विशेष प्राणी के लिए अथवा स्थान के लिए उसका भाव को बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरदार पटेल हो गया, पहाड़ हो गया, जेल हो गया, ये अपने भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, किसी विशेष के लिए। उसके बाद जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, यानी किसी प्राणी हो गया उसके स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं। जैसे पुरुष एक प्रकार की जाति का बोध करा रहा, गेंद एक अलग जाति का बोध करा रहा, और जो घर होते हैं वो एक अलग जाति का बोध कराते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है हमारा। ठीक है, क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। साथ में यहाँ पर अगर भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं, तो यानी जो शब्द किसी भाव, दोष, गुण या स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिठाई हो गया, लड़ाई हो गया, बुढ़ापा हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो गया, यानी भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, किसको प्रकट करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं। उसके बाद लिंग, तो आपको पता ही होगा कि लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग की परिभाषा हो जाएगी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका संस्कृत का सेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर से दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लेकर के।